नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम का हलवा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि आप सभी जानते, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बादाम का हलवा मेरी तरह ज़रूर बना के देखें। चलिए शुरू करते हैं बादाम का हलवा बनाना। यहाँ मैंने चार चीज़ें ली हैं, चार चीज़ों से हम बादाम का हलवा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने बादाम ली हैं 250 ग्राम, और एक कप चीनी ली है, एक कप दूध, एक कप घी लिया है, एक कप से थोड़ा कम है। अगर आपको पहले से बादाम का हलवा बनाना हो तो इन्हें रात को गला के रख दें और सुबह छील लें। मैंने इनको गला नहीं पाया, इसलिए अभी मैं इन्हें उबाल लूँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा पानी डालकर अब इसे गैस पे उबालेंगे। एक उबाल लेंगे, बस इसी से अच्छे उबल जाएंगे और छिकला निकल जाएगा। बादाम उबल गई हैं और ठंडी भी हो गई हैं, अब हम इन्हें छीलेंगे। तो सिर्फ ऐसे करेंगे और देखो इनका छिकला निकल जाएगा। बादाम को ऐसे ही करके सारे बादाम छील लेंगे हम, और उबालने से आप सोचो इसका स्वाद चला जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उबालने से, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक उबाला लिया है और ढक दिया था बस। सारी बादामों को छील लिया है हमने, अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर पीसेंगे। इसमें दूध डालेंगे, जो एक बाउल आगे हमने लेके रखा था उसी में से इतना डालेंगे कि बादाम डूब जाएं, और इन्हें पीसकर तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, और ऐसा पेस्ट बनाएंगे हम इसे, देखो थोड़ा दरदरा सा, जैसे हाथ से अपन उसे छुएंगे तो समझ में आए कि थोड़ा दरदरा है, ऐसा ही पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब जो घी लिया था हमने उसमें से आधा घी डालेंगे इसमें। घी गरम होने देंगे और जो हमने बादाम का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे डालेंगे। पेस्ट को चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे इसे। इसे लगातार चलाते जाएंगे ताकि तले में ना लगे, ये चिपकता बहुत है इसलिए। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे, जो पीछे बचा हुआ था उसे बादाम को पीसने के बाद वो दूध डालेंगे हम। हमें ज़रूरत लगी उतना हमने इसमें डाल लिया, और इतना दूध और बच गया इसे नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसे चलाते हुए पकाते जाएंगे ताकि तले में ना लग जाए। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end?
before we've even begun. ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें चीनी डालेंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। चीनी को घोर लिया है अच्छे से। अब इसमें हम केसर डालेंगे। 20 केसर के धागे ले लिए हैं, इन्हें थोड़ी देर पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। केसर यहाँ पर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी इतना अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा गहरा कलर पसंद हो तो आप और कलर डाल सकते हैं, जो खाने वाला कलर होता है बूंदी वाला वो कलर डाल सकते हैं, और ना पसंद हो तो सिर्फ़ ऐसा ही रखें केसर वाला। अगर आपको केसर का स्वाद पसंद ना हो तो आप केसर ना डालें। केसर डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आए। जैसे जैसे पकेगा वैसे इसका कलर और गहरा होता जाएगा। ये देखिए इसका केसर से बहुत अच्छा कलर आ चुका है और लगभग हमारा हलवा बनके तैयार ही हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी से इसका स्वाद भी अच्छा लगता है और इसका कलर तो इतना अच्छा आता है, इस पे एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है घी डालने से। घी को अच्छे से मिलाएंगे और हलवे को सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए मेरी तरह। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना तो बादाम डाली हैं ऊपर से डेकोरेट करने के लिए और ना ही इलायची पाउडर। आप भी बिल्कुल बादाम के स्वाद में बादाम का हलवा बनाकर तैयार करें। और मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालें, बादाम डालें और वो पिस्ता डालें और इलायची पाउडर डालें इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब बादाम का हलवा आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।